व्लॉग जो हमने स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह, रोज़ की तरह व्लॉग नहीं होगा, आज कुछ नए अंदाज में होगा। यहाँ से जो है ना मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ और अम्मी जान जो यहाँ से गुजर के चले जाती हैं। ये है न्यू अंदाज। और मैडम जो है ना वो काम स्टार्ट कर रही है अपना, क्योंकि डेली तो ये टाइम से फ्री हो के ना अपना रोटी भाजी पका के खुश होके वहाँ बैठी होती थी सरदार फन्ने खां बन के। तो आज जो है ना थोड़ी लेट हो गई है। हाँ जी। अब भी बाल चलाएगी और कभी देर कभी सवेर ठंडा पानी पीता हूँ तो गला जो है ना अच्छा। आपके लिए वो स्पेशल गिलास, अभी आपने बोला कि मेरे लिए ना स्पेशल पानी मंगवा दो कोई, मैं स्पेशल मंगवाया है उधर से बर्तानिया से और जर्मनी से। ये आप पियो, चेक करो, अगर पसंद ना आए तो फिर बताना। ठंडा चलो आप बाल जलाओ, फिर रोटी पकाना तो फिर मैं बनाऊंगा। अभी कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैंने भी पिया है दो गिलास। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे आप? सभी करते हैं, सब खैर से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक है। तो अभी जो हमारा शाम का व्लॉग शुरू हो चुका है, तो मैंने आटा गूंथ के तो चार पाए कुछ निकाली है, कुछ जो अभी निकालनी है मिस्त्र भी निकालूंगी। अभी मैंने कहा था तंदूर जला लूँ, ये जो होता है ना ये वाला ये देर से जलते हैं इसलिए टाइम से चला लेती हूँ, चला लेती हूँ फिर ना और काम करती रहूँगी। तो इधर अम्मी जान भी काम कर रही है माशाल्लाह से, और कि अपने अपने काम में लगा हुआ है। अच्छा आज क्या चल रही है? आज घिया तोरी, मिर्चा ज़्यादा ना हो बस, बाकी सही है। ओके मैं उधर अम्मी से हो क्या हूँ। तेरी ये क्या बह रहा था? ये भात है। अच्छा भात को ये देखे ना इनका रिजन, ये छोटी कमंडली ले आए इधर से भात का देख जा, फिर उसको बाल्टी में डाल डाल के ना खिला रहे। एक बाल्टी सांप को बांट के डाल देते हो कोई लड़ न जाए तरतीब से। अच्छा गायों के लिए था ये? बच्चों के लिए, मैंने समझा वो बकरों के लिए। बकरियों के लिए और बनाएंगे, उन्हें गंदम भी मिक्स करेंगे और वंडा भी और खाल भी भिगी हुई उन्हें के वो खुश्क बनाएंगे। ये जो पानी वाली है ऐसे नहीं वो खाएंगे। फिर जो गाय आएंगे गाय के लिए वो स्पेशल अंज है, वो जब आएंगे उन्हें को डालूंगी। ये बचने के लिए है ऐसे। अच्छा किसी को पतला किसी को गाढ़ा, जैसे कोई खाता है किसी को खुश्क चीज़ नर्म चीज़ अच्छी लग जाए किसी को ये पानी वाली। ये बछड़े जो होते हैं इनके लिए फायदेमंद है, ये टुकड़े वंडा खाले इतना पतले करके डालनी होती है तूड़ी में फिर रात जाएंगे। अच्छा डाले मैं भी देखूँ। हाँ कैसे डालती है? ओह परों वाले थे पहले जो है ना मवेशी काम डाला, मवेशी काम हुआ करते थे ना आप साफ नज़र आते थे, आजकल मवेशी जो है ना ये लाइन लग जाते आप वैच नजर नहीं आते। तो सारे मवेशी जो खड़े मैं फिर नजर आवा। अभी देखना ये फिर इतना, इतना बड़ा काद भी दे रहा नहीं है। अच्छा वो नहीं ऐसे जो आपने डाल दिया ना उसको मिक्स किया भूसे में ना कुछ नहीं है यहाँ पे मिक्स हो जाता है ये इतना देखा पानी वाला जो है ना ऐसे मिक्स हो गया। नहीं वो तो ऊपर डाला ना ऊपर से खा रहे हैं वो सारा। हाँ कोई बात नहीं मिक्स हो गया, जब खाने लगता है ना तो वो सारा मिक्स हो जाता है। ऐसे बाल्टी में भर के डाल दिया। अच्छा मैं भी गाल बताऊं, आप जो ये गंदम के दाने बकरों को खिलाते हो पूरा साल तो अपने गंदम खत्म हो जाती है? कोई बात नहीं अल्लाह पाक दे रहा है ना।
कोई खसारा नहीं आता आपको? खसारा तो आ जाता है, बगैर 5 मान 6 मान पूरा साल में बकरे खा जाते हैं, तो इस बार ना उन्हें बेच रहे हैं ना। 5-6 मन नहीं, ज़्यादा खाते हैं, हफ्ते में 1 मान लगता है तकरीबन। इतना भी घास खा जाते हैं, लेकिन वो बस वो ये घाटे में आ गए ना इस बकरियाँ, कभी बढ़िया नहीं तो खर्चे कर करके थक गया, इसलिए तो साहब की वापस कर दे। चाहिए कुर्बानी पे सारे खत्म या सिर्फ बकरे? ना, 3 बकरियाँ हैं, एक अपना खैरात करनी है, और जो 2 बकरियाँ और 4 बकर हैं, ये जिनकी है ना उन्हें नकाब बेच के कुर्बानी पे, फिर ये बछड़ियाँ ले लें, जैसे बकरियाँ थे ना हिस्से पे, वो बछड़ियाँ ले लो, फिर वो जो है ना बढ़ेगी, फिर आधा हिस्सा हमारा होगा आधा उन्हें का, वो हम बछड़ियाँ ढूँढनी है, जब ये बिक जाएंगे बकर फिर वो ले आएंगे, तो फिर सारे बड़े जानवर ही होंगे। बंदर बनवाएंगे? नहीं, भी नहीं बनवाएंगे, कुछ को ढक दिया, कुछ को उधर बांध लिया, कुछ वो भी खोलिया भी है लकड़ वाली, बस ऐसे आपको ना, दो जो आ जाएंगे और दो दी जगह से बन जाती है ना। आपको ना सर्दियों के लिए भी अच्छा इंतजाम करना पड़ेगा। सर्दियों में वो बकरे वाला सारा सिस्टम वो खाली होगा, वो गाय वाला भी है, वो बरांडा भी बनवाया, फिर भी अगर कुछ ना ही पूरा ही हो तो फिर ये जो है ना बाहरला बकरे वाला देखे, मेरा जो प्लान है ना वो आप ये जो खड़ा हुआ है ना सामने बकरियों वाला भाना, तो इसको ना आप तोड़ लें। तोड़ना नहीं है, पूरे बात नहीं सुने, मैं सुन रही हूँ, सुनाओ। इसको तोड़ लें और ये दीवारें भी तोड़ लें। अच्छा, बाकी रहता है वो वाला, वो छप्पर भी और वो पीछे वाला भाना भी, अच्छा वो भी तोड़ लें, वो क्यों खड़े रहे। सारे सारे तोड़ दें, यहाँ पे ना ऐसे लंबी 2 दीवारें लगाए वो एंड तक। अच्छा, तो एक ही उसका ना पड़ा छप्पर बनाए सर्दियों के लिए। अच्छा, तो और बाहर जो है ना उनका वाड़ा भी अच्छा सा बन जाएगा गर्मियों के लिए, और अंदर वो बन जाएगी सराह लंबी, उसमें ना अंदर बांधे या ढक दे, ऐसे हो मतलब यहाँ से शुरू हो वो वहाँ लास्ट तक ना ये एक ही होना चाहिए। ओ ऐसा हो सकता है, मगर ये बछड़े गाय एक साथ नहीं खा सकती, जो छोटी बछड़ियाँ हैं, एक गद्दा है, ये सब चीज़ें एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकती। अगर ये जो है बकरे वाला अंज है ना रूम, ये बछड़े अंज बंधेंगे और गाय अंज छोटी बछड़ियाँ की जगह में बनानी है, बछड़े अंज बंधेंगे, ताकि ये मसला होता है एक साथ इकट्ठे हो, एक को बढ़ा के सारे को एक साथ खड़ा हो तो रात को लड़ जाए तो। अच्छा, ये कैसे बता रहे थे, चलो मैंने अपना मशवरा दे दिया, अच्छा मशवरा दिया ना, तारीफ तो करे। हाँ बस चला, अच्छी बात है। अगर फिर तू जैसा बोल रहा है अधली दीवार ना वो तोड़ दे, और इसकी अधली दीवार तोड़ दे, फिर ये सारा ही को बना के छत उठू है पाटते दीवार बराबर। अच्छा, ये भी है जैसे मैंने बताया, और भी है एक सिस्टम, यहाँ वो सेंटर में ना और भी बाना बांध सकता है सर्दियों के लिए। हाँ, वो सेंटर में जी वही बांध सकता है, बस गाली साहब चंगी है माशाल्लाह। अच्छा, आप अपना प्लान बता रहे थे कि किसको छत डालनी है, किस चीज़ के ऊपर? और नहीं, अभी तो छत ए डली होगी और डली होगी सारा को, जो बरामदा भी बना हुआ, लेकिन जो तू जरा सिस्टम बता रहे थे ना उसकी वजह कर रही हूँ, जो ए दीवार है ना आधा इनकी छत भी तोड़ दें और दीवार विचली भी तोड़ दें, ऊँडी भी छत तोड़ दें और विचली दीवार भी, तो सारा एक जैसा होगा ना, फिर जो ये दीवार है उसे बराबर काट दें, बराबर काट के फिर वो भी छत का सामान ये भी सारा एक साथ डाल दें, वही कोई बन जाएगा। हाँ ये है, तो आखिर इंतजाम तो विचलिया दीवार है ना वो वाला ही छोटे दीवार के उत्ते आवे सन इतना, वो भी बराबर हो जाएगी छत का सामान, वो बरांडे वाला भी, वो रूम वाला भी, ये भी, ये सारा उत्ते आ जाएगा। अच्छा, मैं तो कहता हूँ इसको सारा ही वाड़ा बना दे इस इलाके को, ये ना गर्मियों में छोड़ दिया यहाँ पे रात को, और जरा ना गर्मियाँ सब्जी वास्ते ही कोई बन जाए, अगर गर्मी में बाहर इतनी छाँव नहीं होती तो ढक दे, छप्पर भी होगा ना आगे, जो अगर सब्जियाँ हैं तो सारे एक साथ, अगर सारे गई होते हैं ना वो एक साथ ढक देते हैं, और जो बछड़े हैं ना बछड़े चलो वो सारे खा गए हैं,
और अभी आप ये भर के ना दोबारा वाला डाले। अच्छा हाँ, उस खुले में ना जहाँ वो पल्ले पली हुई है उधर दो गायें खड़ी होती थी, वो नजर नहीं आ रही। वापस आई नहीं? ये क्या, उनको भी चरने भेज दिया? हाँ वो भी चरने जाती है ना, इधर छाँव नहीं है, बार ये उधर जंगल में चरती है, फिर जो वापस आती है वो घास खा लेती है। अगर इधर छाँव कैसे बांधे, फिर इसलिए खोल दिया। अब मैं पता नहीं वो बट्ठल कहाँ रख दिया। बट्ठल लेके भी नहीं आई, ये पालती थी आपके पास? दो ये उन छोटे बच्चों को डाल रही हो? दो था इधर, मैंने ना गद्दा को पानी रखा, फिर पता नहीं मैं कहाँ लेके जाऊंगी। उतरे होंगे, चलो लाभ के लिए। चलो चलो चलो, भाग के शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ साके बजाने खेल रहा है, क्योंकि इस टाइम ना वो फारसी जो है ना नीचे वाला वो ठंडा हो जाता है, इसको ना खेलने का मौका मिल जाता है। अच्छा अभी जो है ना इसका हाल कौशल बताएगी कि ये। अच्छा एक मिनट, हंसा है इसको, कब से हंसी भी नहीं सुनी। मैं ऐसे करूँ, हंस ऐसे ऐसे गाड़ी को, गाड़ी को ऐसे करो। किधर जा रहे हो? अभी मैं चार पे लेके आई तो वो ना भागने लग गया, कहता है पीछे मुझे, जैसे बैठते हैं ना बच्चे ऐसे बिठाओ, पीछे भागने लगा। तो मैंने ना इसको पीछे से बिठा के ऐसे पकड़ के फिर चार पे नीचे की खुश हो रहा था, गाड़ी में बिठाया। चुप करो इसकी है ना। तो फिर मैंने गाड़ी में बिठा दिया तो ऐसे ऐसे जा रहा था। क्या हुआ? छोड़ो मैं जाऊं? नहीं, वो कहता है भालू दो, सारा दो, ये लो आ गया, ये लो आ गया आपका मुन्ना। कैसे देख कैसे नहीं बोलता है, इधर हो जाओ चलाऊं। तो उसको ना उधर से ना ऐसे गाड़ी लेके जा रहा था तो नीचे गिर रहा था गमले में। हाँ वो उस गमले में नीचे गिरा था, अब वो भाग के गया तो उसको ऐसे पकड़ा, इधर से ले आया मेरी तरफ, कहता है इसको ना बांध के रखो। ऐसे तो सुनाए नहीं, कहते बांध के रखो बांध के। आजकल बहुत इसकी शरारतें जो है ना बढ़ती जा रही है, मैं इसकी तबीयत बनाती हूँ। वो देखो आप देखो, अब देखो जा रहा है ना पीछे, इसको 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 बुलाती हूँ, इसको बुलाती हूँ। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो बाबा आ रहा है, आ रहा है ना बाबा, ओ बाबा आ रहा है ना बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। वो तंदूर में देखो लकड़ी गिर गई है तो नीचे डाल दो। अच्छा इससे बालू हटाना, बालू हटाना। ये भालू इसको डांटेगा डांटेगा। हाँ डांटेगा डांटेगा, इसके सर पे मारना, सर पे ऐसे करो। पर ये बिल्ली डपेरा है, जाओ 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 जाओ। वो देखो बोलते तो शरारत है इसकी, बोलते क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है ना खेलने का आदी हो जाता है, एक साथ खुश हो रहा है इसके ना। अब इसको खेलना अच्छा लगता है। सेना का मौस कुछ नहीं किया उनके साथ था। वो देखो वो हंस रही है, वो हंस रही है। ऐसे करते ना, ये भी ऐसे वो देखो वो चली गई ना, चलो ऐसे सुन लिया। और अभी ना इसको ऐसे ऐसे ऐसे
इधर घुमाओ, इसको भगाते रखना। हाँ ऐसे ऐसे करना, इसको भगाते रखना। चलो अभी भगाए जा रही है, चलो ये मुझे दे दो, चलो ये लेके जाओ तो आगे पीछे आएगा। उधर जाओ, इधर नहीं उधर जाओ, उधर। चलो अभी अभी भगाएगा। हो गया हो गया हो गया, आगे से जकिया आ गई। वो मर्डर बन गया तो वो देखो ना, ऐसे ना करो, ऐसे ना किया करो, वो गिर जाएगा बेचारा, गिर जाएगा। वो अपने मर्दे से चलाता है। ये देखना, अब जाएगा क्या ना, सेट पे हो जाना, आगे नहीं आना। चलो जाओ चलो जाओ, वो पानी आ रहा है मोटर बंद कर दो। भाग के भाग के भाग के बच्चे भाग के, पानी आ रहा है मोटर बंद कर दो। माशाल्लाह रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है और आज ना काफ़ी लेट हो चुके हैं। अंधेरा थोड़ा थोड़ा धुंधलाहट आ रही है कैमरे में, शाम हो गई है लगता है। हाँ अंधेरा हो गया। चलो जी तंदूरी रोटी जिसको भी पसंद है आ जाए खा लें, क्योंकि ये आपका हक बनता है रसाना। लेकिन मैं आपको खुद क्या बोलूँ, आप तंदूरी रोटी मक्खन लस्सी, ओए ओए गांव के मशहूर सौगात है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी बात करे जो आज कल आया था हमारी लाइफ पे, कहता है वो गांव का वो नाश्ता तंदूरी रोटी मक्खन लस्सी। हाँ मैं उन्हें की बात कर रहा हूँ, आज सुबह आए थे। और उस दिन मैंने हमें कोई बताया था, एक सिस्टर कह रही थी कि मुझे ना बहुत पसंद है आपके घर आऊँ और लस्सी तंदूरी रोटी मक्खन ये खाऊँ पीऊँ। उनको लस्सी बहुत पसंद है। हाँ जी, वो भी सिस्टर आ सकती है, साबन भी आ सकते हैं, हम तो सबको कहते हैं, डेली कहते हैं, जो भी आना चाहे आ सकता है। मुझे रोटी नहीं देती हो तो उनको क्या दोगी? नहीं उनको दूंगी। दोगी? हाँ। सच्चे? हाँ जी। मैं तो खुद भी उठा लेता हूँ। ना ना ना, आप रोटी नहीं खाते, खाने के बगैर फिर चल फिर रहे हो। हाँ सुबह नहीं खाते हम लोग, सुबह नहीं खाया था ना, खाया था। अच्छा खाया था। अच्छा वो चावल मेरे रात वाले क्यों नहीं रखे? सुबह चावल भी खाए थे। नहीं थोड़े से थे। आपने बोला कि और लेके दो मुझे चावल, तो मैंने कहा बस यही थे। वो मैं सुबह उठा तो वो मैंने थाल देखा रखा हुआ था, उसके बाद देखा खा लेता था ना, मैं उस वक्त खा लेता ना तो अच्छा था। सवेरे मुझे इतने से मिले, थोड़े से सबको, इतने से मिले थे सबको, थोड़े थोड़े से मिले थे। रात को जा अच्छा नहीं लगता, मान बोल रहा था कि रात के इतना मजा नहीं आया, गर्म थे ना, सुबह को ठंडे हैं, मजा आ रहा है खाने में। रात तो मेरे सामने थाल रखा रहा, जब मैं काम करता रहा तो आगे थाल रखा था, जब लोग नहीं खाया भूल गए। हाँ रात को अच्छे नहीं लगते थे, गर्म होता है ना सुबह को ना, फिर जब ऐसे गर्म करते हैं फिर मजा आता है खाने में, वो मुरकड़े मुरकड़े हो जाते हैं। बिरयानी कब बनवाओगे? आप खिलाओगे ना बिरयानी? नहीं आप फरमाइश करते हो तो कुछ ना कुछ बन जाता है हमारा। नहीं वो बिरयानी मुझे डॉक्टर ने ना चिकन मना किया है, वो गर्म है, वो बड़े गोश्त वाला बिरयानी नहीं खाएंगे, वो आप ईद आने वाली है, बड़ा गोश्त ईद के खाएंगे। नहीं बिरयानी बनाएंगे उससे एक बार पहले, क्योंकि आपको नहीं खाना ना अपना खाना। डॉक्टर ने मना किया, उन्होंने बोला है कि ये आजकल ना फार्म की मुर्गी में ना बीमारियां आ रही हैं, तो जिसकी वजह से ना ये मैदे में ज़्यादा तकलीफें होती हैं, इससे सेहत ठीक नहीं रहती। आप कम खाया करें, ना खाया कम खाया करें, फिर ना खाया करें। अच्छा चीज में बीमारी है आजकल, ये चावल खाए से भी मैदा ठीक नहीं रहता, कोई और चीज खाए उससे भी मैदा ठीक नहीं रहता, समोसे पकौड़े खाए उससे भी मैदा ठीक नहीं रहता, अब क्या खाएं? पाकिस्तान में जो भी चीजें है ना सब में ऐसी बीमारियां जरा सी, कोई चीज हमें कि ये चीज ना खाओ ये चीज ना खाओ,
जब डॉक्टर के पास जाए ना, डॉक्टर खुद भी नीमको का डिब्बा आगे रख के खाता रहता है। हमें कहते हैं ये चीज ना खाओ, वो आपकी बीमारी को देख के बोलता है ना। एक बार ना फलमान और मैं दवाई लेने गए तो उस बार ने नाश्ता नहीं किया, भूख लगी हुई थी, तो एक बिस्किट ले आया, मैंने खाया, वो बुखार की वजह से ना मुँह अजीब तरह वो बन गया पानी पानी। तो मैंने कहा है कि आप ना जाओ ये इंजेक्शन भी लगवाया। डॉक्टर ने बोला पकौड़े समोसे यह चीज़ नहीं खानी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब हम वहाँ से आए तो टी वी साथ ना डॉक्टर की दुकान के साथ एक बाबा खड़ा होता पकौड़े बना रहा था। मैंने फरमान को बोला मुझे पकौड़े लेकर। फिर फरमान ने ना 50 रुपये के थोड़े से पकौड़े लिए और उसने कहा मैं जलेबियाँ खाऊँगा, जलेबियाँ भी ली। हम खा रहे थे, डॉक्टर दुकान से बाहर निकला देख रहा था। आँखों के सामने धोखा। हाँ मैंने कहा पाकिस्तान में कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं आती, सब जो आते ना वो भी गले सड़े। हाँ वो ताजी नहीं आती, ये जब वो बासी हो जाते ना फिर वो पड़े रहते हैं मंडी में 4-5 दिन। हाँ। देता कोई नहीं, फिर वो गले सड़े सस्ते दे देते हैं। हाँ। इधर से हमें महंगी मिलती है, इसलिए हमारी जमीन अच्छी होती तो हम खुद अपनी भी जाते। अपने सब्जी जो है ना वो सेहत देती है, डेली ताज़ा सब्जी तोड़ के खाओ ना, अपने शक्ल देखो। वो जो अपने वो बड़े वाले कद्दू ऐसे से होते हैं बड़े बड़े, वो बिल्कुल नर्म नर्म हो तो बहुत अच्छे बनते हैं माशाल्लाह। हाँ वो इतने लंबे वाले। मम्मी के घर में गई थी ना तो एक बार अबू ने बोला मेरे भाई उमर को कि जाओ कद्दू ले आओ, वो लेके आया, बड़े बड़े थे 3 कद्दू लेके आए थे। अम्मी ने शाम को भी पकाया, सुबह के लिए भी बचा के रखे थे कि सुबह पकाएंगे। भुनाई करे वो ऐसे नरम बन जाते, मजा आता है फिर खाने में। उसको ना वो लंबा जो कद्दू था उसको इंग्लिश में बोलते हैं लौकी। वो हम लाहौर में थे ना तो लिस्ट देखते थे, उधर ना लौकी लिखा होता था। और लौकी हमने बोला ये क्या है, बोलते हैं वो लंबा कद्दू वो लौकी है। अब इधर नहीं मिलते। एक ना चाइना में मैं देखी थी, यूट्यूब पर आया हुआ था चाइना वाले, मेरे पास भी बड़ा कद्दू लेके जो इधर से वैसे ऐसे लड़का हुआ कद्दू लेके जा रहे थे, हैरान हो गए कि इतने बड़े कद्दू। उधर होते हैं वो पड़े रहते हैं, वो तोड़ते नहीं है। इतना फ्रूट दिखा रहे थे बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखे आम जो थे ना वो कैसे सूखे हुए थे धूप की वजह से, वो उनको ना पार्सल किए हुआ होता दरख्त के ऊपर, वो पैक किए होते हैं, वो पैक किया हुआ एक तोड़ा उसने, फिर जो ही उसने काटा उधर से ये खाने वाला चम्मच है ना बड़ा, उसमें से वो निकाल लिया, फिर भी देखे खाने वाले उसमें आम था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये देखो ये वो हिफाजत करते हैं ना, हमारे तो आम है ऐसे आम खड़े रहते हैं। हर कंट्री में ना अलग अलग फ्रूट होते हैं। हाँ हमारे यहाँ ये अजीब अजीब से वो फल लेके आते, पता ही नहीं चलता कौन सा फल है ये कौन सा फल है। बहुत सारा फल लेके आते हैं, खा रहे होते हैं कौन से। चलो जो वो हमने वो देखा था टिकटॉक पे वो कैसे बना रहा था चिकन, वो जीप से ना अरे क्या क्या डाला उसने, फिर वो उसने ना कढ़ाई में डाल के ना घी भी नहीं डाला, थोड़ा सा घी इतनी सी डाला, और फिर उसको ना काला कर दिया जैसे कोला नहीं होता ऐसे काला बना दिया चिकन को, फिर ऊपर वो मतलब क्या मलाई थी वो डाल के ना वो खा रहा था काला। और ये भी मसाले भी थे, टमाटर प्याज और आलू वो भी थे, उसका पता नहीं क्या बनाया, उसका भी लेबड़ा बना दिया उसने। वो खाते ऐसे हैं उधर, उनके साथ ऐसे फंसा के उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें डाला फिर दिखाया। लेकिन वो उधर खाते भी वही है, वही है वो कौन से थे वो और मजहब के होते हैं, हम ऐसे किसी को गिला तो नहीं करते हैं। वो ऐसे खा रहे हैं। वह जिनको जो गिजा अच्छी लगती है वही बनाते हैं। कैसे बनाता है। चलो जी मैंने कहा दावत पक्की है, इंशाल्लाह अगले महीने 2-3 महीने तक 4 महीने तक जब भी पैसे आएंगे दावत पक्की है इंशाल्लाह। बात करते करते पूरा थाल खत्म हो गया।